फ्रेंड्स, मैं रविंद्र आज आपको लाइव ट्रेनिंग दूंगा लेबलिंग मशीन की। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि लेबलिंग मशीन में आखिर हम लेबल रोल को कैसे लोड करते हैं और उसके क्या क्या हमारे रिक्वायर्ड सेटिंग्स हैं। आज फ्रेंड्स हम उनको भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे सामने ये जो देख रहे हैं ये हमारा लेबलिंग मशीन। फ्रेंड्स, इसमें हमारे दो स्विच हैं, एक हमारा फ्रेंड्स ये स्टार्ट का स्विच है, एक हमारा फ्रेंड्स इमरजेंसी स्विच दिया है। ये फ्रेंड्स हम बोटल है और फ्रेंड्स ये हमारे गाइड ट्रैक बोलते हैं इनको। इनको फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जो हमारे ब्लैक कलर के लॉक लगे इनसे हमें लूज़ करना है और ऐसा सेट करना है कि फ्रेंड्स हमारी जो बोटल है ना स्मूथली आगे जाए, यानी बिना रुके हुए। ये देखो, आपको फ्रेंड्स ऐसे मूव करके भी देखना है। और फ्रेंड्स ये हमारे रैप प्लेट है और रैप बेल्ट असेंबली, इन दोनों के बीच में जो गैप है ध्यान से देखिए, इसमें एक इंचिंग टेप लगा है जिसमें आपको कुछ देखेगा मेजरिंग करने के लिए। तो आपको ऐसे सेट करना है कि हल्का सा लाइटली टाइट रहे, क्योंकि फ्रेंड टाइट होगा तो ही क्या होगा, आपका जो बोटल है वो राउंड अप होगा। और फ्रेंड्स आपको सारे गाइड ट्रैक सेट करने हैं, देखना है कि बोटल स्मूथली चले। तो ये फ्रेंड्स हमारी पूरी लेबलिंग मशीन है जो आप देख रहे हो। ये फ्रेंड्स हमारा लिनर डिस्क है जिसपे हम अभी लेबर रोल लगा के आपको दिखाएंगे। ये फ्रेंड्स हमें लगाना है इस डायग्राम के थ्रू। ये हमारा डायग्राम मशीन में दिया रहता है जिसमें रहता है कि हमें लेबर रोल को आखिर कैसे सेट करना है। फ्रेंड्स इसमें प्रॉब्लम क्या था, अभी हमने इसको डांसिंग बार को प्रेस नहीं किया तो लेबल का जो हमारा रोल है वो टूट गया। इसके लिए आपको ये बात याद रखना है कि जब भी हमें लेबल खींचना है तो डांसिंग बार जो हमारा ब्लैक कलर का है इसको हल्का सा खींच के अभी हम खींचेंगे तो स्मूथली चलेगा। ऐसे कुछ लेबल को वहां से निकालना है। इसके बाद में फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि हमारा जो ये रोलर है, रोलर के बीच से हमें क्या करना है, अपने लेबल रोल को निकालना है। इसमें ऊपर क्लिप रहते हैं उनको लूज भी करना है, याद रखिए। देखिए ये क्लिप ओपन है, क्योंकि अगर आप बंद रखेंगे तो ये ओपन नहीं होगा, यानी इसके बीच से नहीं निकलेगा, याद रखना है आपको। ऐसे निकालने के बाद ये हमारा नेक्स्ट है पिल बिलेट के लिए। तो पिल बिलेट से हमें खींचना है उसको। ऐसे हम क्या करेंगे, लेबल को खींच लेंगे। खींचने के बाद फिर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हमारा जो सेकंड रोलर लगा है यानी सर्वो के आगे पीछे दोनों साइड है, दो रोलर रहते हैं हमारे एल्युमिनियम के, इनके बीच से हमें निकालना है। बीच में फ्रेंड्स हमारा जो रोलर है वो सर्वो मोटर का है जो मूव करता है। ये फ्रेंड्स हमारा स्पूल है, इसमें हमें क्या करना है, रिमाइंड करना है बैक पेपर को, यानी जो बचता है बैक पेपर वो इसमें रिमाइंड हो जाता है और इसमें लगी क्लिप से हम इसको फिक्स कर देते हैं, यानी टाइट कर देते हैं। ये देखिए इसको लॉक कर दिया है, अब ये लूज नहीं है, मतलब अगर आप ऐसे बंद में चाहोगे तो फिर लेबल रोल नहीं डाल सकते हो। इसके बाद आपको जाना है ऑटो एडजस्ट में। ये ऑटो एडजस्टमेंट है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक अपनी पोजीशन ले लेगा। फ्रेंड्स याद रखिए, कभी भी आप लेबर रोल लगाते हैं और आप जब स्टार्टिंग में लगाते हैं तो जो गैप सेंसर है इसके बीच में लेबल नहीं होना चाहिए। ये भी मैनुअल लेबल निकाला एक, क्योंकि जब ऑटो एडजस्ट आप करते हो एडजस्टमेंट उस टाइम पे अगर आप लेबल नहीं निकालते हो तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके बाद अब हम करेंगे ऑटो एडजस्टमेंट। ये हमारा ऑटो एडजस्टमेंट स्टार्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक मैनुअली एक बोतल को छोड़ेंगे प्रोडक्ट सेंसर तक। ये फ्रेंड्स प्रोडक्ट सेंसर तक आया, अभी देखो हमारा जो मशीन है ऑटोमेटिक एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गई है और लेबल हमारा जो प्री लेंथ है यानी लेबल हमें कितना बाहर रखना है फ्रेंड्स, इसमें उसको सेट करने का रिक्वायरमेंट बेसिकली नहीं रहता है, क्योंकि लेटेस्ट अभी जो वर्जन आ रहे हैं इसमें ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है।
फिर भी अगर आपको सेट करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सेट आप कर सकते हो। इसको फ्रेंड्स लेवल का लेंथ बोलते हैं, कितना आपको बाहर निकालना है। ये फ्रेंड्स इसके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं, जो कि अब मैंने आपको भी दिखाए थे। अब फ्रेंड्स हम एक बोतल को छोड़ेंगे और देखेंगे कि लेवल प्रॉपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फ्रेंड्स अगर आपका लेवल थोड़ा सा क्रेक यानी बराबर नहीं आ रहा है अलाइनमेंट इसका, तो आप यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि लेवल थोड़ा ऊपर लग रहा है, तो फ्रेंड्स आप अप डाउन कर सकते हो नीचे दिए हुए हमारे व्हील से। ये देखिए थोड़ा सा नीचे आ गया इधर। फ्रेंड्स यहाँ से भी आप अपनी सेटिंग्स मैनुअली कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लगता है तो आप यहाँ से वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा प्रोडक्ट सेंसर है, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। प्रोडक्ट सेंसर का फ्रेंड्स वर्क रहता है कि कोई भी बोतल आता है तो सर्वो मोटर को कमांड करता है मूव करने के लिए यानी घूमने के लिए। जैसे सर्वो मोटर घूमती है, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट सेंसर उसमें लगा रहता है, जो लेवल को लेंथ टीच करता है प्रोडक्ट सेंसर से, सॉरी कमांड के बाद, तो उसको स्टॉप का करता है। मैंने कॉल सेंस कमांड पर वर्क करता है ये टोटल। तो फ्रेंड्स ये तो आपने देखा हमारा आज का लेवलिंग सेटिंग। आई होप कि आपको सब डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ आपका क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।